हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर बाजार विद मोदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूजेन केमिकल्स और एमसीएक्स की जो है सो दिसंबर क्वार्टर के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, जो आज अनाउंसमेंट हुई है, तो उसके हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कंपनी की तरफ से कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट जो स्टेटमेंट देखेंगे वो है न्यूजेन केमिकल्स की। तो चलिए एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट, कैसा कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है। तो फ्रेंड्स, इसके स्टेटमेंट हम लोग देख सकते हैं, करोड्स में नंबर्स होंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कंपनी के जो इनकम है, देख सकते हैं 132 करोड़ की इनकम देखने को मिल रही है, जबकि सितंबर क्वार्टर में देख सकते हैं 113 करोड़ की इनकम देखने को मिली थी। वहीं बात करें कंपनी के दिसंबर 20 क्वार्टर की, तो देख सकते हैं 85 करोड़ की इनकम देखने को मिली थी, जो कि देख सकते हैं इनकम इस बार अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिला है। और बात करें कंपनी के 9 मंथ्स की, देख सकते हैं 9 मंथ्स में भी कंपनी जो है सो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अब वहीं अगर बात करें कंपनी के एक्सपेंस की, तो देख सकते हैं कंपनी की जो टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिली है वो है 118 करोड़ की एक्सपेंस देखने को मिली है, जबकि सेप्टेम्बर क्वार्टर में 99 करोड़ की एक्सपेंस देखने को मिली थी। वहीं अगर बात करें कंपनी के दिसंबर 20 क्वार्टर की, तो देख सकते हैं कंपनी की तरफ से 73 करोड़ की जो है सो एक्सपेंस देखने को मिली थी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंपनी की तरफ से जैसा इनकम देखने को मिला उसके हिसाब से एक्सपेंस भी देखने को मिला है। वहीं बात करें कंपनी के 9 मंथ्स की, तो देख सकते हैं कंपनी के 9 मंथ्स में भी जो है सो एक्सपेंस देखने को मिली है। अब बात कर ले फ्रेंड्स कंपनी की जो है सो प्रॉफिट, जिसको प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड देख सकते हैं, कंपनी की जो प्रॉफिट्स निकल के आई है इस बार 10 करोड़ के प्रॉफिट देखने को मिली है। वहीं बात करें उसके सितंबर क्वार्टर की, तो देख सकते हो सितंबर क्वार्टर में 11.19 करोड़ की प्रॉफिट देखने को मिली थी। अगर हम बात करें कंपनी के दिसंबर 20 क्वार्टर की, तो देख सकते हैं कंपनी की जो प्रॉफिट्स है वो 8.54 करोड़ की प्रॉफिट देखने को मिली। देख सकते हैं क्वार्टर ओवर क्वार्टर में जो प्रॉफिट्स है थोड़ी सी डाउन होती हुई नजर आई है, बट ईयर ओवर ईयर में प्रॉफिट्स में ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं बात करें हम इसके 9 मंथ्स की, तो देख सकते हैं 9 मंथ्स की भी प्रॉफिट्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिला है। और हम बात करें कंपनी के ईपीएस की, तो देख सकते हैं कंपनी का जो ईपीएस है 4.5 रुपीज़ का ईपीएस देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कंपनी जो है सो क्वार्टर ओवर क्वार्टर में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने को नहीं मिली है, लेकिन अगर हम बात करें कंपनी के ईयर ओवर ईयर की, तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अब बात करें कंपनी के करंट प्राइस की, तो देख सकते हैं न्यूजेन केमिकल्स की जो भी प्राइस चल रही है वो 1700 पे ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप फ्रेंड्स कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बट अभी इसमें आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि कंपनी की जो प्राइस अभी बहुत हाई पे चल रही है। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और जिन्होंने होल्ड कर रखा है वो इसे होल्ड करके रखिए, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है एमसीएक्स के स्टेटमेंट है उस पर भी एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं एमसीएक्स की जो हम लोग स्टेटमेंट है, हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, देख सकते हैं जो कंपनी की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आई, देख सकते हैं लैक्स में नंबर्स होंगे जिसका हम लोग करोड्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसके हम बात करें कंपनी के इनकम की, आप देख सकते हैं 104 करोड़ की इनकम देखने को मिल रही है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 99 करोड़ की इनकम देखने को मिली थी। वहीं हम बात करें कंपनी के दिसंबर क्वार्टर की, तो देख सकते हैं 125 करोड़ की इनकम देखने को मिली थी। तो देख सकते हैं कंपनी की जो इनकम है क्वार्टर ओवर क्वार्टर में अच्छी खासी देखने को मिली है, बट ईयर ओवर ईयर में डाउनफॉल होती हुई नजर आई है। बात करें कंपनी के 9 मंथ्स की, तो देख सकते हैं कंपनी के 9 मंथ्स में भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है इनकम में। बात करें कंपनी के एक्सपेंस की, तो कंपनी की जो एक्सपेंसेस देखने को मिली है वो देख सकते हैं, जो कि एक्सपेंसेस देख सकते हैं 58 करोड़ की एक्सपेंस देखने को मिल रही है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देख सकते हैं 56 करोड़ की एक्सपेंस देखने को मिली थी। वहीं बात करें कंपनी के प्रीवियस ईयर की, देख सकते हैं 58 करोड़ की जो है सो एक्सपेंस देखने को मिली थी। देख सकते हैं कंपनी ने जैसा इनकम किया उसके हिसाब से एक्सपेंस भी किया है। और बात करें कंपनी के पिछले साल की, तो देख सकते हैं 9 मंथ में देख जो है सो अच्छी खासी एक्सपेंस देखने को मिली है। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो कंपनी की जो प्रॉफिट्स है, देख सकते हैं इस बार जो प्रॉफिट्स निकल के आई है वो है 34 करोड़ की प्रॉफिट देखने को मिली है। वहीं हम बात करें कंपनी के प्रीवियस क्वार्टर की, देख सकते हैं 32 करोड़ की प्रॉफिट देखने को मिली थी, जबकि प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं 71 करोड़ की प्रॉफिट देखने को मिली थी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वार्टर ओवर क्वार्टर प्रॉफिट्स में बहुत अच्छा उतना अच्छा ग्रोथ नहीं किया, बट ईयर ओवर ईयर में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है फ्रेंड्स। और वहीं बात करें हम कंपनी के 9 मंथ की, तो देख सकते हैं 9 मंथ्स में कंपनी ने अच्छा जो है सो प्रॉफिट्स में गिरावट देखने को मिली है। वहीं बात करें कंपनी के हम ईपीएस की, तो कंपनी की ईपीएस देख सकते हैं जो निकल के आ रही है वो इस बार 6.77 रुपीज़ की ईपीएस देखने को मिल रही है, जो कि ठीक ठाक ईपीएस देखने को मिला है। बात करें कंपनी के जो करंट अभी जो चल रही है प्राइस, तो देख सकते हैं प्राइस जो अभी है 1561 पे ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।